नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र वर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन पे खड़ा हूं ये है बठिंडी का एरिया और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कोठी। हम आपको इस वीडियो में पूरा ये कोठी का इंसाइड का टूर करवाने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे देंगे, ये 11 मरले में बनी हुई बहुत ही खूबसूरत कोठी है, डुप्लेक्स कोठी है और विद मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के साथ और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ हम आपको दे रहे हैं और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन में है, बठिंडी के मक्का मस्जिद के एरिया में ये जो कोठी है सिचुएटेड है और ये आपको हम पूरा इनसाइड से टूर करवाएंगे। और सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं फ्रंट एलिवेशन इस घर का, तो आप देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन है। और उसके बाद फ्रंट एलिवेशन दिखाने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे अप्रोच रोड, इस घर को जो आने वाली रोड है मेन रोड से वो एग्जैक्टली 20 फुट प्लस है। और आप देख रहे हैं इस घर के आसपास में बहुत ही खूबसूरत कोठियाँ बनी हुई और ये मैं पूरा रोड आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इस घर की तरफ अप्रोच करता है ये पूरा रोड आपको दिखा दिया गया है। और सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ इसी घर के आउटसाइड में ग्रीन एरिया, तो ये देखिए यहाँ पे भी छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह जो हैं फ्लावर्स वाले जो हैं हमने यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं। और मैं दूसरे कॉर्नर से भी इस घर का आपको फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत घर है, 11 मरले में बना हुआ बहुत ही बढ़िया घर और ऐसा घर जो है आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। और ये जो घर है हम फुल्ली फर्निश दे रहे हैं आपको और ये सेल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए इसका पूरे का पूरा एलिवेशन और इसकी डिज़ाइनिंग देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही खूबसूरत घर ये बना हुआ है जो आपको हम पूरा इनसाइड से टूर करवाएंगे। आपको फ्रंट एलिवेशन और एंट्री रोड दिखाने के बाद अब हम आपको ले जा रहे हैं घर के इनसाइड में। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो पार्किंग का एरिया है वो काफ़ी अच्छे साइज़ का, बहुत बड़े साइज़ का आपको पार्किंग एरिया दिया जा रहा है जहाँ पे आपकी एक से दो गाड़ियाँ जो सेडान गाड़ियाँ यहाँ पे पूरी टोटल जो है पार्क की जा सकती हैं और हैचपैक गाड़ियाँ कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की जा सकती हैं। बहुत ही बड़े काफ़ी साइज़ का आपको एरिया ये पार्किंग का मैं दिखा रहा हूँ। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे ग्रीन एरिया, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये ग्रीन एरिया लॉन का एरिया दिखाया जा रहा है और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये छोटा सा पेड़ है, हाइब्रिड पेड़ है, ये चीकू का पेड़ है। आप देख रहे हैं इस समय चीकू की जो फ्रूट है वो इस समय इस पे ग्राउंड है और ये बहुत ही स्वीट ये चीकू हैं, बड़े डिफरेंट टाइप के ये चीकू यहाँ पे जो हैं मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अब मैं आपको फाउंटेन की वर्किंग दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत छोटा सा फाउंटेन है यहाँ पे और जहाँ पे जो लॉन के एरिया में ग्रीन एरिया में हमने यहाँ पे फिट किया हुआ है। और इसी के साथ आपको दिखाया मैंने जैसे ये लॉन का एरिया और उसके साथ पार्किंग का एरिया दूसरे साइड से हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए बहुत बड़ा पार्किंग एरिया आपको मिल रहा है। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको दिखा दिया ये पेड़ वगैरह जहाँ फ्रूट के लगे हुए हैं, ये चीकू का पेड़ है, बहुत ही मीठा जो वहाँ पे चीकू जो है इस पेड़ पे मिलता है खाने के लिए, तो हमने भी जस्ट टेस्ट किया इसको। और ये देखिए अगेन मैं आपको फाउंटेन की वर्किंग दिखा रहा हूँ, फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लगा हुआ है। और सामने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक स्लैब बनी हुई है स्पेशल, जहाँ पे जो है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे अच्छे तरीके से गमलों में रखे हुए हैं और यहाँ स्टोर किया हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत घर है जो इनसाइड से अब आपको पूरा टूर करवाएंगे। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे पार्किंग में भी देखिए यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है और लाइटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है लाइट्स वगैरह फिट की हुई हैं। और जैसे आप गाड़ी यहाँ पर पार्क करेंगे तो तब भी आपको यहाँ पर फ़ैन की वर्किंग से आपको गर्मी जो है बिल्कुल महसूस नहीं होगी। और अब हम आपको घर के इनसाइड में ले जाएंगे, तो ये देखिए अगेन मैं आपको पार्किंग का एरिया एक बार पूरे का पूरा फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही बड़े साइज़ का यहाँ पे दो गाड़ियाँ एटलीस्ट सेडान गाड़ियाँ और साथ में टू व्हीलर्स वगैरह सारे आपके यहाँ पे पार्क किए जा सकते हैं। और जो हैचपैक गाड़ियाँ मीडियम सेगमेंट की गाड़ियाँ वो कम से कम 3 से 4 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जा सकती हैं। तो ये अब घर आपको इनसाइड से पूरा हम टूर करवाते हैं। आउटसाइड का पूरा एरिया दिखाने के बाद अब हम आपको ले जा रहे हैं घर के इनसाइड में। आप देख रहे हैं दो डोर्स लगे हुए हैं, एक जो मेन डोर है ये इस डोर से अगर हम एंट्री करेंगे स्ट्रेट पे हम लॉबी के एरिया में एंटर होते हैं और दूसरा डोर जो है ये ड्राइंग रूम का डोर है। अब हम आपको ड्राइंग रूम के रूम से एंटर करवाएंगे और इनसाइड से पूरा टूर करवाने के बाद आपको लॉबी वाला एरिया भी पूरा दिखा देंगे। और ड्राइंग रूम में इसलिए यहाँ से एंट्री करना चाहता हूँ कि तो आए आपको इनसाइड में ले चलें ड्राइंग रूम के रास्ते से।
तो सबसे पहले हम इस घर में पहुंच गए हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ड्राइंग रूम आपको देखने को मिल रहा है। बड़ा खूबसूरत ड्राइंग रूम है और काफ़ी अच्छे साइज़ का यहाँ पे ड्राइंग रूम है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, उसके साथ लाइट्स वगैरह फिटेड हैं और दीवारों पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वुडन जो है पूरी फिटिंग हुई है। देवदार के जहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया गया हुआ है और आप इसमें देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जो है सोफ़ा सेट जहाँ पे लगे हुए हैं और कारपेट्स लगे हुए हैं, मैचिंग कलर के जहाँ पे कारपेट्स डाले गए हुए हैं। और ये जो सामान है इस घर में पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा विद मटेरियल, आप इसको हम इसको सेल कर रहे हैं। और इस ड्राइंग में देखिए यहाँ पे भी आपको दिखा रहे हैं एक स्प्लिट एसी लगा हुआ है जो पूरे इस एरिया को कूल कर देता है। और ये देखिए डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वॉल की साइड में एक बहुत बड़ी विंडो है, उसी के साथ जो है स्पेशल ग्लासेस लगाए गए हैं, डिज़ाइनिंग ग्लासेस लगा गए हुए ताकि इसमें खूबसूरती जो है बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे इस ड्राइंग रूम में आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अगेन आपको सीलिंग के डिज़ाइन वगैरह दिखाना चाहता हूँ। और फैन जहाँ पर इस समय वर्किंग में है फुल फ्लैज, और साथ में लाइटिंग वगैरह पूरी प्रॉपर जो है यहाँ पर वर्किंग कर रही है। और सामने आप देख रहे हैं एक ग्लास का पोर्शन है जो डोर है वो लॉबी की तरफ खुलता है। और अब हम इस डोर को यूज़ करके जो है लॉबी में एंटर कर जाएंगे। तो पहले मैं चाहता हूं आपको एक बार फिर से ड्राइंग रूम का पूरे का पूरा पोर्शन दिखाऊं। और ड्राइंग रूम का बेनिफिट ये है कि आपके कुछ गेस्ट जो हैं आप यहीं से उनको अटेंड करके फ्री कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनको घर के इनसाइड में ले जाएँ। और जो अपने क्लोज रिलेशन में हैं उनको आप लॉबी में डायरेक्ट लेके जा सकते हैं, ड्राइंग रूम के थ्रू भी लेके जा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो आए अब हम आपको ड्राइंग रूम का पोर्शन दिखाने के बाद लॉबी के एरिया में ले जाते हैं। तो अब ये इस डोर का इस्तेमाल करते हुए हम लॉबी के पोर्शन में पहुंच गए हैं। ये जो मेन डोर है जो मैंने बाहर से भी आपको दिखाया है ये लॉबी की तरफ खुलता है। और उसके बाद हम आपको ये डोर का भी इसकी देखिए आप ये बिल्कुल प्योर देवदार का बना हुआ ये जो इसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है और बहुत ही अच्छी नक्काशी इसके ऊपर डोर के ऊपर है, मेन डोर के ऊपर जो है इसकी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई है। और उसके साथ ये देखिए ग्लास के डिज़ाइनिंग वगैरह जो है आपको इनसाइड से भी नज़र आ रहे हैं, बाहर से मैं दिखा चुका हूँ। ये भी बड़े कलरफुल जो है यहाँ पर ग्लास के डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है ताकि आपके घर की मेन एंट्री जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। और जैसे आप घर में एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक आपको इंसेक्ट किलर भी मिलेगा ताकि आपके घर में किसी किस्म का कोई मक्खी मच्छर एंट्री ना कर पाए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वुडन की डिज़ाइनिंग की हुई है इसमें, तो मैंने जैसे आपको इसको नॉक करके भी दिखा दिया, ये प्योर देवदार की वुड यहाँ पर हमने यूज़ की हुई है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है इसका। और उसके बाद हम आपको लॉबी के एरिया में ले आए हैं, लॉबी के एरिया का पूरा राउंड लगवाएंगे सबसे पहले। तो एक कॉर्नर से हम शुरू होते हैं, ये देखिए यहाँ पे वॉश बेसिन है और इसी के साथ एक लुकिंग ग्लास है और साथ ही में डिफरेंट डोर्स आपको नज़र आए हैं। एक एक डोर करके हम आपको इनसाइड से खोल के दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं लॉबी, बहुत ही खूबसूरत लॉबी का एरिया। तो ये पूरा एरिया आपको राउंड पहले लगवा रहे हैं लॉबी का, दो हाइट्स पर जो है इसका फ्लोर है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग इसकी है। और पूरा हम आपको दिखाएंगे लॉबी का एरिया पहले सबसे पहले। तो ये देखिए ऊपर आपको शैंडलियर एक नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत इस समय लाइट्स वगैरह जो हैं। और देखिए आपको पूरे इसके जो है रूफ के ऊपर ये पूरे का पूरा डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है। और ये जो स्टेयर्स हैं ये डुप्लेक्स घर होने की वजह से ये स्टेयर जो हैं फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर स्टेयर्स लगी हुई हैं, ग्लास भी बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग का यहाँ पर लगाया गया हुआ है। और इसमें साथ में जो रेलिंग है प्योर स्टील की रेलिंग लगी हुई है। और सामने आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सोफ़ा सेट यहाँ पे रखा गया हुआ है और दीवारों पे डिज़ाइन देखिए बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग है। और इसमें भी हम आपको एक बार फिर क्लोजली दिखाते हैं, ये देखिए डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत ही खूबसूरत PVC की डिज़ाइनिंग स्पेशल करवाई की हुई है। और ये काफ़ी अच्छी खूबसूरत जो है लॉबी आपको यहाँ पे देखने में मिल रही है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए अगेन हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो डोर्स हैं ये इसमें क्या क्या है। और अब हम फर्स्ट डोर के अंदर एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो लॉबी के साथ यूज़ होने वाला वॉशरूम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा वॉशरूम दिया जा रहा है और उसके साथ आपके जो भी गेस्ट यहाँ पे लॉबी में पहुँचेंगे आएंगे उनको अगर कोई वॉशरूम यूज़ करना है तो ये वॉशरूम यूज़ किया जाएगा। और उसी के साथ दूसरा डोर जो है ये एक कट आउट है
और साथ में यहाँ पे स्टोर का काम भी हो रहा है और यहाँ पे सारे घर की जो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह जैसे इन्वर्टर हो गया, सर्वो हो गया, वो इस एरिया में रखा गया हुआ है और उसके ऊपर भी सनशेड जो है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए सारा सनशेड यहाँ पे लगाया गया हुआ है। ये कट आउट भी है और जैसे टू इन वन है जहाँ में स्टोर का काम भी कर रहा है। और उसी के बाद हम आपको दिखा रहे हैं एक यहाँ पे लॉबी में लगा हुआ एक विंडो एसी, ये वर्किंग में है और साथ में एक साइड पे विंडोज वगैरह काफी बड़े साइज की आपको नजर आ रही है और यहाँ पे सनलाइट वगैरह इस लॉबी में भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे पहुंच जाती है। और उसके बाद हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट एरिया में, ये लॉबी का एरिया मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा टूर करवा दिया है। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज किचन। घर की जो किचन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो दिखाने से पहले हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई और बहुत एक जो है वॉल क्लॉक लगी हुई बड़े बहुत बड़े साइज की। और ये जो सामने आपको एलईडी नज़र आ रही है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। इस घर में सारी फैसिलिटीज़ हैं और साथ में 4G का आप देख रहे हैं जियो का यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो है जियो 4G के लिए यहाँ पे सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह फिट किए हुए हैं। और बाहर आपको जो भी एंट्री होगी, जो भी कोई आपके घर के बाहर कोई आ जा रहा होगा, वो आप यहाँ अपने लॉबी में बैठे इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो भी घर में आपके कोई एंटर करेगा वहाँ आपको यहाँ लॉबी में बैठे ही पता चल जाएगा। तो अब हम आपको ले आए यहाँ पे किचन में, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे साइज़ की जो है यहाँ पे मॉडल किचन आपको दिखाई जा रही है, जिसमें जो है एक बहुत ही बड़े साइज़ का फ्रिज जो है यहाँ पे फिट किया हुआ LG कंपनी का और काफ़ी स्पेशियस है ये फ्रिज भी। और उसके साथ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो मॉडल किचन के जो जहाँ पे शेल्फ्स वगैरह बनी हुई हैं ये भी पूरे सामान से भरी हुई हैं इस समय। और उसके साथ माइक्रोवेव, दो माइक्रोवेव यहाँ पे रखे गए हुए हैं और सामने आप देख रहे हैं गैस स्टोव है और चिमनी है बहुत ही खूबसूरत सन फ्लेम कंपनी की यहाँ पे चिमनी जो है वो भी मिल रही है आपको। और साथ में आप देख रहे हैं क्रॉकरी के लिए जो है डिफरेंट सेक्शन बनाई हुई है और ये सारा जो सामान है आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। एग्जॉस्ट फैन भी एक छोटा सा लगा हुआ है जो किचन में जो जितनी गर्मी होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद LG कंपनी का ही यहाँ पे प्यूरी केयर के नाम से यहाँ पे RO है वो भी फिट है यहाँ पे। और ये सारा सामान आपको साथ ही में इस घर में यूज़ करने के लिए मिलेगा एज इट इज़ हम इसको सेल करना चाहते हैं। तो आए अब किचन का एरिया ऑलमोस्ट सारा हमने आपको दिखा दिया है और उसके बाद हम आपको रूम सेक्शन में ले जाएंगे, तो आए आपको रूम सेक्शन में ले जाते हैं। दोस्तों आपको खूबसूरत लॉबी दिखाने के बाद, ड्राइंग रूम दिखाने के बाद और एक खूबसूरत किचन दिखाने के बाद अब हम आपको ले जा रहे हैं बेडरूम्स के एरिया में। सबसे पहले हम फर्स्ट बेडरूम में एंटर कर गए हैं, ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। ये जो इसका साइज़ है 14x15 का, 14x15, 14x16 का जो डिज़ाइन जो है साइज़ इसका रूम का आपको मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बेडरूम मैं दिखा रहा हूँ आपको। डबल बेड लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस जो है इस रूम में आपको देखने मिल रही है। और सामने आप देख रहे हैं आपको एक सोनी कंपनी की बहुत ही खूबसूरत LED जो है फिट किए हुए पैनल के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। तो ये देखिए दीवारों के डिज़ाइन वगैरह भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे सजाए गए हुए हैं। और उसके बाद एक छोटा सा सोफ़ा जो है ट्रिपल सीटर जो है यहाँ पे वो भी रखा गया हुआ है। और उसके साथ हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे यूज़ होने वाला वॉशरूम और उसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर भी है, कटआउट भी है, वो एरिया भी हम आपको दिखाएंगे। अगेन मैं चाहूँगा आपको इस बेडरूम का पूरा एरिया एक बार दिखा दिया जाए। तो काफ़ी बड़े साइज़ का, जैसे मैंने आपको बता दिया 14x16 फुट का जो साइज़ का जो एरिया है आपका रूम का एरिया जो आपको मिल रहा है। और दीवारों पे आप डिफरेंट डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत ही खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उसके बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं पोर्शन यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अलमीरा एक रखी हुई है, ये ड्रेसिंग का पोर्शन भी इसमें काम आ सकता है, ये छोटा सा स्टोर भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। आप चाहें एडिशनल इसमें कुछ भी सामान ऐड काउंट कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे यूज़ होने वाला अटैच वाशरूम। तो ये आ गया ड्रेसिंग, ये आ गया एग्जैक्टली ड्रेसिंग का एरिया, वो मैंने जो पहले दिखाया वो स्टोर है। और ये यहाँ पे देखेंगे फुल साइज़ का यहाँ पे वार्डरोब आपको मिल रहा है। और उसी के साथ एक साइड पे ड्रेसिंग का जो है लुकिंग ग्लास है और उसके साथ सारा जो है आपका कॉस्मेटिक का सामान इन सेल्फ वगैरह में जो है स्टोर किया जाता है। तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, ये मैंने जैसे आपको एक अगेन दिखा रहा हूँ वार्डरोब फुल साइज़ की यहाँ पे वार्डरोब आपको मिल रही है।
फ्लोर से लेके रूफ टॉप तक आपका पूरा जो है ये वार्डरोब बना हुआ है। और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे यूज़ होने वाला बहुत ही खूबसूरत तो बड़े अच्छे साइज़ का वॉशरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है उषा कंपनी का बहुत ही बढ़िया जहाँ पे गीज़र फिट है, और ये जो वॉशरूम है इसमें इंग्लिश सीट फिटर है। और उसके बाद ये हम आपको दिखा रहे हैं बहुत बड़े साइज़ का यहाँ पे लुकिंग ग्लास है, और उसके साथ जो है आपको यहाँ पे सारा जो फिटिंग वगैरह मिल रही है जैगुआर कंपनी की है। तो ये हमने देखी शॉवर जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही डिफरेंट जो है डिजाइनिंग का यहाँ पे शॉवर आपको देखने को मिल रहा है, ये भी आपको हम फिटेड जो है इसमें ऑलरेडी फिटेड है ये साथ में मिलेगा आपको सारा। तो ये देखिए सारा काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पे वॉशरूम आपको दिखा रहा हूँ। और एक साइड पे देखिए टॉयलेटरी रखने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा जो है दीवार पे जो है कैबिनेट लगाई हुई है। तो ये बहुत ही बढ़िया आपको जो है वॉशरूम दिखाया जा रहा है। और अब हम आपको नेक्स्ट बेडरूम में ले जाते हैं, और वहाँ पे भी जो रूम का साइज़ दिखाएंगे और बेडरूम दिखाएंगे। और अगेन मैं इस बेडरूम में एक बार फिर से नज़र आपकी करवा रहा हूँ। तो ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का बहुत ही खूबसूरत आपको बेडरूम इस समय दिखाया जा रहा है, और एक डोर जो है ये आपको सामने देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी बड़ा एरिया जो है कटआउट का एरिया है। तो ये देखिए ये भी आपको एरिया काफ़ी अच्छा यूटिलाइज रहेगा, और इसमें आपका एक्स्ट्रा सामान वगैरह है, एक इसमें जो वॉश बेसिन लगाया गया हुआ है, और आप यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान जो है वो स्टोर कर सकते हैं, वॉशिंग का एरिया बना सकते हैं। वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं सामने रखी हुई, ये एट प्रेजेंट जो है वॉशिंग का एरिया यूज़ किया जा रहा है, और ये आने वाले टाइम में आप भी इसको अच्छे तरह से एज ए वॉशिंग एरिया ही यूज़ कर सकते हैं। तो आएँ आपको ग्राउंड फ्लोर का नेक्स्ट बेडरूम दिखाएँ। तो नेक्स्ट बेडरूम दिखाएँ आपको देख रहे हैं डोर बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, प्योर देवदार की जो है यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग जो है हर डोर के ऊपर की हुई है, कार्विंग बहुत अच्छी की हुई है। तो अब हम आपको ले जा रहे हैं सेकंड बेडरूम में, ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ, अगेन इसका जो डोर है आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए चमचमाता हुआ जो डोर आपको नज़र आ रहा है, और काफ़ी हैंडल जो हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी के जो हैं हैंडल्स वगैरह इसको लगाए गए हुए हैं। और ये डोर देखिए बिल्कुल चमचमाता हुआ डोर आपको जो वेलकम कर रहा है। और ये देखिए मैं आपको अगेन आपको डोर एक बार दिखा रहा हूँ। तो अब हम आप ये पहुँच गए हैं सेकंड बेडरूम में। तो ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का बहुत ब्यूटीफुल बेडरूम आपको दिखाया जा रहा है, और सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जो है दीवारों के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और पेंटिंग्स वगैरह देखिए यहाँ पर बहुत ही रेयर जो है पेंटिंग्स यहाँ पर कलेक्शन की हुई है। और सामने आप देख रहे हैं एक ट्रिपल सीटर सोफ़ा अगेन फिट किया हुआ है, और इसमें भी आप देखेंगे एक बहुत अच्छे साइज़ का वर्लपूल कंपनी का फ्रिज जो है पर्सनल इस रूम में रखा गया हुआ है। और अगेन मैं आपको दिखाऊंगा इस एरिया का, इस रूम का साइज़, ये देखिए ये भी 14x16 फिट का जो है ये आपको बेडरूम मिल रहा है। और आप देखेंगे जहाँ पे डबल बेड लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस जो है इस रूम में बची हुई है। और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे इस बेडरूम में यूज़ होने वाली LED। तो सामने आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे साइज़ की यहाँ पे LED जो है अगेन आपको मिल रही है LG कंपनी की, इस रूम में हमने जो है LED फिट की हुई है। तो ये देखिए जो कट आउट है उसकी तरफ ही इसकी विंडो जो है जो रखी गई हुई है, ताकि यहाँ से भी आप नज़र रख सकें, अगर कल को सर्वेंट कोई काम कर रहा है तो आपको यहाँ से अपने रूम में बैठे पता चल जाता है कि कैसे वो वर्किंग कर रहा है और मशीन चल रही है नहीं चल रही है। तो इसी के साथ इस रूम में यूज़ होने वाला विंडो AC आपको दिखाया जा रहा है, कैरियर कंपनी का ड्यूराकूल इसका मॉडल है, बहुत ही ये बढ़िया जो है इसकी परफॉर्मेंस है। तो ये भी इस रूम में आपको मिल रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये पूरा घर जो है एज इट इज़ हम दे रहे हैं, और इस घर में आप इस रूम में मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब जो है ये देखिए ये भी आपको यूज़ करने के लिए मिल जाएगी। तो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं इस बेडरूम में यूज़ होने वाला अटैच वॉशरूम। तो अब हम पहुँच गए हैं अटैच वॉशरूम के एरिए में, इसमें भी आपको इंग्लिश सीट दी जा रही है, और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, घोड़े जो हैं हॉर्सेस दौड़ते हुए यहाँ पे डिजाइनिंग लगाई हुई है, और बड़ी ये अट्रैक्टिव है। और उसके साथ हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही बड़े साइज़ का यहाँ पे एक लुकिंग ग्लास वॉश बेसिन वैनिटी के साथ, और यहाँ पे एक साइड में दीवार के ऊपर जो है सारा कुछ इसमें कैबिनेट फिट की हुई है, ताकि यहाँ पे
सारा सामान आपका रखा जा सके। और सामने आप देख रहे हैं एक गीजर भी इसमें फिट है और छोटी विंडोज हैं इसमें, एग्जॉस्ट फैन है इसमें ताकि एयर सर्कुलेशन और बिल्कुल फ्रेश आपका ये बेडरूम, ये के साथ जो यूज़ होने वाला वॉशरूम है वो रहे। तो अगेन हम आपको एक बार फिर से इस बेडरूम का पूरे का पूरा एक नज़ारा करवा देते हैं। ये देखिए बहुत ही बड़े साइज़ का बेडरूम आपको दिखाया जा रहा है और ये जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे हैं दो बेडरूम हैं, एक बहुत बड़े अच्छे साइज़ की लॉबी है, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है और इसके साथ दो अटैच बाथरूम हैं और एक जो है लॉबी के साथ बाथरूम आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। और अब हम आपको ले चलेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। दोस्तों मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का पूरा एरिया दिखा दिया, अब हम आपको ले जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो ये देखिए हम स्टेयर्स का यूज़ करते हुए अब हम पहुंच रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो ये देखिए एक साइड पे जो है जहाँ पे वॉल में पीवीसी डिज़ाइनिंग वगैरह लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत देखने को। और यहाँ पे देखिए जो स्टेयर्स हैं उसके ऊपर भी ग्रेनाइट जो है मैचिंग ग्रेनाइट इसमें लगाया हुआ है, जैसे पीवीसी पैनलिंग कलर की है वैसे ही इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह लगाई हुई है। और तो जैसे हम स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, बड़े यूनिक कलर के, बड़े यूनिक साइज़ के और बड़े यूनिक डिज़ाइनिंग के यहाँ पे जो है कर्टन्स लगे हुए हैं। अब हम पहुँच रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर पहुँचते ही सबसे पहले ये दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे शैंडलियर लगा हुआ है। तो हम अब क्लोज हो गए हैं शैंडलियर के, तो मैं पूरा डिज़ाइन आपको शैंडलियर का दिखा रहा हूँ और यहाँ से भी लॉबी का एक नज़ारा आपको करवाते हैं। तो ये देखिए सारा नज़ारा जो है लॉबी का हम करवा रहे हैं, ये पूरा एरिया हमने लॉबी का आपको दिखा दिया। अगेन मैं आपको शैंडलियर एक बार फिर से दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे साइज का, बहुत ही एल्यूमिनेशन के साथ यहाँ पे आपको शैंडलियर दिया जा रहा है। तो आएँ अब हम आपको फर्स्ट फ्लोर का बाकी सारा एरिया दिखाएं। तो फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गए और देखिए छोटी सी लॉबी यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले दिखा रहे हैं। और एक साइड पे आप देख रहे हैं विंडो वगैरह लगी हुई बहुत बड़े साइज़ की, और यहाँ इस लॉबी में भी पूरी प्रॉपर जो है लाइट वगैरह यहाँ पहुँच रही है। और अब हम आपको दिखाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे जो है फर्स्ट बेडरूम, ये हम पहुँच गए हैं फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में। तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये भी बेडरूम आपको दिखाया जा रहा है, जैसे जहाँ इस घर में मैक्सिमम जो है 14x16 साइज़ के बेडरूम रखे गए हुए हैं। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बहुत ही अच्छे जो है इसकी डिज़ाइनिंग है विंडो के ऊपर ग्लास की, और साथ ही में आप देख रहे हैं एक आपको एसी नज़र आ रहा है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं इसका जो है सीलिंग के डिज़ाइन वगैरह दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छे यहाँ पे बने हुए हैं। और अब हम आपको दूसरे कॉर्नर से इस रूम को दिखाते हैं। तो ये हम पहुँच गए दूसरे कॉर्नर पे, तो ये बहुत ही बढ़िया साइज़ का आपको ये भी बेडरूम देखने को मिल रहा है। और इसमें भी जैसे आप देख रहे हैं डबल बेड इसमें भी लगा हुआ है, और सामने आप देख रहे हैं एक वार्डरोब इस बेडरूम में भी आपको दिया जा रहा है यूज़ करने के लिए। और अगेन हम आपको यहाँ पे एक पैनल दिखा रहे हैं, ये इसमें जो है एलईडी फिटेड है और एलईडी इस समय जो है रखी गई है, नीचे रखी गई है, बट आप यहाँ सामने फिट कर सकते हैं। और ये जो डोर है ये बालकोनी की तरफ खुलता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगेन मैं आपको रूम का एरिया दिखा रहा हूँ, काफ़ी बड़े साइज़ का रूम जो आपको यहाँ पर भी फर्स्ट फ्लोर पर भी मिल रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं इस बेडरूम के साथ यूज़ होने वाला अटैच वॉशरूम, ये हम पहुंच गए हैं अटैच वॉशरूम में। तो ये आ गया यहाँ का अटैच वॉशरूम, और इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ पे गीज़र वगैरह फिटेड है, और सामने आप देख रहे हैं शॉवर वगैरह एवरीथिंग इज़ फिटेड। और ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ का ये वॉशरूम आपको यूज़ करने को मिल रहा है, जिसमें इंग्लिश सीट हमने फिट की हुई है। और सामने आप देख रहे हैं ये वॉश बेसिन भी आपको नज़र आ रहा है, और सामने ग्लास नज़र आ रहा है, और साथ में शॉवर वगैरह यहाँ पर भी फिटेड है। तो आएँ अब हम आपको नेक्स्ट पोर्शन जो है फर्स्ट फ्लोर का वो दिखा दें। तो यहाँ से इस रूम से निकलते हैं और उसके साथ हम आपको दिखाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे भी एक छोटा सा ड्राइंग रूम के जो है एरिया रखा गया हुआ है, एक रूम यहाँ पे बनाया गया हुआ है, ओपन रूम है। ये देखिए काफ़ी अच्छे साइज़ का यहाँ पर ये आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और सामने देख रहे हैं आप एक जो है बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव एक आपको गन का पीस नज़र आ रहा है दीवार के ऊपर, यहाँ पर जो है फिट की और लगाया हुआ है इसको, और ये शो पीस है और बहुत ही अच्छे साइज़ का ये भी आपको ड्राइंग रूम दिखा रहा हूँ मैं। और सामने आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे भी लाइट्स वगैरह बड़ी अच्छे तरीके से फिट की हुई हैं। और इसमें भी आपको एक साइड पे जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका ग्लास की डिज़ाइनिंग वगैरह,
बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे आपको लाइट इस समय पूरी नज़र आ रही है, तो ये भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरे एंगल से भी मैं इस ड्राइंग रूम को दिखाना चाहता हूँ, तो ये देखिए, ये आपको दूसरे कॉर्नर से भी दिखा दिया, बहुत ही बढ़िया साइज़ का ये भी आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है। तो अब हम जो है इसके साथ यूज़ होने वाली बालकनी आपको दिखाएंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो इसी डोर से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे एक पोर्टेबल स्विमिंग पूल भी नज़र आ रहा है, तो जब भी आपका गर्मी में मन करे आप यहाँ पे पोर्टेबल जो है इसमें पूल में नहा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से भी फर्स्ट फ्लोर से भी आपको मैं यहाँ पूरा जो है इनका फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा हूँ इस घर का। तो ये देखिए, यहाँ से भी पूरा फ्रंट एलिवेशन का आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो अब हम ये अगेन आपको स्विमिंग पूल का एक बार दिखा देते हैं पूरा व्यू, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जो बचा हुआ एरिया वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये बालकनी के साथ ही एरिया है ये सारा, ये भी आपको यूज़ करने को मिल जाएगा। जो बेडरूम मैंने आपको दिखाया है, ये जो डोर है क्लोज्ड, ये दोनों तरफ से यूज़ किया जा सकता है। तो आएँ अब आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक बहुत बड़े साइज़ का हॉल बच गया वो दिखाना चाहते हैं, तो आएँ उसमें, उस हॉल में आपको ले जाते हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं उस बड़े हॉल में फर्स्ट फ्लोर पे, ये इसको आप मजलिस कह सकते हो। और जैसे हमारे J&K में कल्चर है, जब कश्मीर का कल्चर ऐसा है कि आपको सिटिंग एरिया बहुत बड़ा चाहिए होता है, ये पूरे का पूरा एरिया जो है सिटिंग है, और बहुत बड़े कारपेट्स इसमें लगाए गए हुए हैं, तो स्पेशल डिज़ाइन किया गया हुआ है। इसमें जो है आप पूरी फैमिली कम से कम यहाँ पे एट अ टाइम जो है 30 से 40 लोग जहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, कोई घर का जो छोटा मोटा फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन है, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का हॉल जो है, मिनी हॉल जो है, ये आपके घर में जो है आपको मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। आप चाहें इसको अगर डिफरेंट सेक्शन बना के अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको रेनोवेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और अपनी यूटिलिटी के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं इस बड़े हॉल के साथ एक स्टोर बना हुआ है, जिसमें एक्स्ट्रा सामान जो है सारा यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। आप भी इस स्टोर को एज ए यूज़ कर सकते हैं। और अगेन मैं चाहूँगा आपको एक बार फिर इसका पूरा राउंड एक लगाऊँ, ये बहुत ही अच्छे साइज़ का मैं हॉल आपको दिखा रहा हूँ, जो आपके मल्टी पर्पज़ ये काम आएगा। और ये देखिए, यहाँ पर भी एक गन रखी हुई है, ये स्पोर्ट्स गन है, ये वैसे ही गिफ्टेड गन है, और ये यूज़ होती है, बच्चे इसको इसके साथ खेलते हैं, बहुत बढ़िया ये भी आपको देखने को मिल रही है। और अगेन हम आपको हॉल दिखाने के बाद अब हम आपको टॉप फ्लोर पे ले चलेंगे, वहाँ से आपको दिखाएंगे सारा पोर्शन। और अब हम एक चीज़ और आपको दिखाना चाहते हैं, इस हॉल के साथ यूज़ होने वाला अटैच वाशरूम। तो यहाँ पर भी आपको एक अटैच वाशरूम मिल रहा है, तो ये देखिए, यहाँ पर अटैच वाशरूम और विद गीज़र के साथ। आपके घर में अगर मेहमान वगैरह ज़्यादा आते हैं तो आप सभी मेहमान को यहाँ पे जो है रख सकते हैं, तो साथ में क्योंकि अटैच वाशरूम मिल रहा है आपको, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो अगेन इस कॉर्नर से भी आपको ये पूरे हॉल का नज़ारा कराया जा रहा है, और ये बड़े यूनिक हॉल बने हुए हैं इस घर में बना हुआ है, जो आपको मल्टीपर्पज़ का। फर्स्ट फ्लोर दिखाने के बाद हम आपको ले जा रहे हैं रूफ टॉप के ऊपर। तो अगेन यहाँ पर सामने आपको स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, इनका यूज़ करते हुए हम फर्स्ट टॉप फ्लोर पे पहुंचेंगे, और जो एरिया भी आपको दिखाएंगे वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा ये कितनी खूबसूरत एरिया में ये घर बना हुआ है, और बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन में ये मैं घर दिखा रहा हूँ आपको। और अब हम पहुंचने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और फर्स्ट फ्लोर ऊपर पहुँचने से टॉप फ्लोर ऊपर पहुँचने से पहले हम आपको अगेन यहाँ पर ग्लास की डिज़ाइनिंग दिखा रहे हैं इन साइड से, ये मैंने आपको और साइड से भी दिखा दी है। और पूरे एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ पर PVC पैनलिंग वगैरह की हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको ये घर मिल रहा है, और बड़ी अच्छी फिटिंग्स वगैरह यहाँ पे हुई हैं। अब हम पहुँच गए हैं रूफ टॉप के ऊपर, और रूफ टॉप का भी पूरा एरिया आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए रूफ टॉप का एरिया, जहाँ पहुँच गए हम रूफ टॉप के ऊपर, आगे पीछे का एरिया आपको दिखाते हैं, आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी। और ये बठिंडी का मक्का मस्जिद एरिया है जहाँ मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, आगे पीछे आप देख रहे हैं ग्रीनरी ग्रीनरी, और सामने आप देख रहे हैं छोटे छोटे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये आपको वैली की तरह लग रहा है। और सामने आप देख रहे हैं, मैं अगेन आपको दिखाऊं, ये सफ़ा वैली के फ्लैट्स हैं जो इस घर के बिल्कुल पास में सिचुएटेड हैं। और अगेन आपको पूरा राउंड लगा रहे हैं इस घर के आसपास की कोठियाँ वगैरह दिखाई जा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत कोठियाँ हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत घर लोगों के बने हुए, और बहुत ही प्राइम लोकेशन में ये मैंने पूरा घर आपको इन साइड से टूर करवाया है।
और आप इसको प्लीज़ ज़रूर कंसिडर करें, और इसको आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारे नंबर आपके स्क्रीन पे मिल जाएंगे और आप इसको मिस मत करें। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, और आप इसको प्लीज़ ज़रूर इस हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बहुत खूबसूरत घर जो है 11 मरले में बना हुआ डुप्लेक्स घर जो है जिसमें सारा आपको इनसाइड से टूर करवा दिया है, और बहुत ही खूबसूरत घर जिसमें हम सारा सामान दे रहे हैं आपको। इसमें आपको 7 एसी मिल रहे हैं और 5 आपको एलईडी मिल रही हैं, और जो है बाकी सारे बेडरूम्स में जो है आपको डबल बेड्स मिल रहे हैं, अलमीराज मिल रही हैं, और सारा सामान जो है फिटेड है, गीज़र फिटेड हैं, फैंस फिटेड हैं, एवरीथिंग इज़ फिटेड। आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, आपको अपने पर्सनल क्लोथ्स वगैरह लेके आने हैं। तो इस पूरे सामान के साथ हम इस घर को दे रहे हैं, और अब हम बात करेंगे इसकी प्राइस की। प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल है, दैट इज़ 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख रुपए में आपको ये 11 मरले में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत घर और बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन में दिया जा रहा है। और हम चाहेंगे आपको कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और ताकि किसी न किसी के आपके दोस्त को, आपके चाहने वाले को ऐसे खूबसूरत घर की तलाश होगी, तो आप हमारा ये वीडियो शेयर करके उनकी तलाश को ख़त्म कर सकते हैं और उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं फॉर एवर के लिए। पूरी ज़िंदगी आपको वो दुआएं देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत घर है और बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन में, जैसे मैंने बता दिया, बठिंडी के मक्का मस्जिद के एरिए के बिल्कुल टच करता हुआ एरिया है, और मार्केट बिल्कुल पास में है जहाँ पर मेटाडो रूट है, और आप जम्मू सिटी के किसी भी कॉर्नर में आ जा सकते हैं बड़े ईजिली। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए,